सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत कर दी हां। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नजर मार लें सुर्खियां दे वल। सिमरनजीत सिंह मान नूं पुलिस ने किया होम अरेस्ट। मान वालों अज भाना सिद्धू की गिरफ्तारी के विरोध धूरी च दिता जाना सी धरना। हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई। एफआईआर तलाशी मगरों लाए गंभीर दोष। बीते दिन पुलिस ने सोरेन नूं किया गिरफ्तार। आज पेश होगा मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का दूजा अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन करेंगे पेश मोदी सरकार का यह आखिरी बजट। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान ते संसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान नूं पुलिस वालों होम अरेस्ट कर लिया गया। तड़कसार तो ही फतेहगढ़ साहब के पिंड किला हरनाम सिंह नगर विखे पुलिस वड्डी गिनती च तैनात हो गई। जिक्र योग है कि सिमरनजीत सिंह मान वालों अज भाना सिद्धू की गिरफ्तारी के विरोध में धोरी विखे ट्रेना रोकने का ऐलान किया गया सी, जिसनूं लैके सिमरनजीत सिंह मान समेत पार्टी के लगभग सारे अहुदेदारां नूं पुलिस ने होम अरेस्ट कर लिया। उधर सांसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान के निजी सकत्र इकबाल सिंह टिवाणा ने इस गिरफ्तारी की निखेधी करदे कहे कि सरकारां वल्लों लोकतंत्र की आवाज नूं दबाउण की कोशिश की जा रही। उन्हें कहा कि यह पार्टी वल्लों अमन शांति नाल अपना रोस जाहिर किया जाना सी, परंतु सिमरनजीत सिंह मान समेत समुचे अहुदेदारां नूं गिरफ्तार करके सरकार वल्लों लोकतंत्र का घाट किया गया। लोकतंत्र की आवाज नूं दबाया नहीं जा सकता। प्रोग्राम से भाना सिद्धू वाला वो रखा तो आपने कल भी सानू फोन आया बहुत सरकार दे भी पुलिस दे भी तुसीं इहनू चेंज करो। असीं कहा भी साडी डिमांड है भी इहनू रिहा कर दो, असीं बंद कर दिंदे आ पर रातों रात फिर इहनां ने गिरफ्तारियां करतीं। किन्ने कु बंदे अजे तां 10-12 ही नोट च आए हैं, 10-12 बंदे बाकी पंजाब दे तां नहीं कितने ज़्यादा संगरूर दे कितने। जमहूरियत साडा विधान खाका है 1914-21 दे सारे विधान दे अधिकार ने साडे एक्सप्रेशन करन अपने व्यू पॉइंट देन शांतमई जमहूरियत तरीके धरने लाने की साडी इजाजत है। और इन्होंने सानू उहदे विच वी असीं कहिंदा कोई लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति पैदा कीती है जी तां अपना रोस प्रगट करना सी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने SC ST पुलिस स्टेशन विच सीनियर इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। एक अधिकारी ने ही जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि सोरेन के दिल्ली स्थित घर से केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा हाल ही चलाई गई तलाशी मुहिम के संबंध में पुलिस शिकायत दर्ज करवाई गई सी। अधिकारियों ने FIR का हवाला देंदे कहा कि सोरेन ने दोष लाया कि ईडी ने उसनू ते उसके पूरे भाईचारे को परेशान ते बदनाम करने लिए राष्ट्रीय राजधानी में उसकी रिहायश से तलाशी मुहिम चलाई है। रांची के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट चंदन कुमार सिन्हा ने दसिया कि ईडी के कुछ सीनियर अधिकारियों खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो सानू मुख्यमंत्री की अर्जी मिली है। अधिकारियों मुताबिक उन्होंने FIR में कहा कि मैनू ते मेरे परिवार मेंबरां नूं इस नाल बहुत ज्यादा मानसिक मनोविज्ञानिक ते भावनात्मक ठेस पहुंची। सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था, आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को गरीब निरीह आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे
अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपना पहला अंतरिम बजट पेश करने वाली ने। जनाली नरेंद्र मोदी सरकार दे 10 सालों के कार्यकाल का है दूजा अंतरिम बजट है। दरअसल आम बजट जा जल्दी होने वाली चोणा लिए ना काफी समा होने कारण सरकार अंतरिम बजट पेश कर दी। इस बजट राही सरकार नूं उदों तक खर्च करन दी इजाजत दी जांदी जद तक नवी सरकार पूरा बजट पास नहीं कर लैंदी। इहदे नाल ही नवी सरकार नूं अंतरिम बजट राही पूरे बजट बारे फैसले लैण दी भी इजाजत दी जांदी है। चोण नतीजों तो बाद किसी कारण सरकार समय सिर पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाती है तो उसनू खर्चे की सदन की मंजूरी लेनी पैंदी है। सरकार अंतरिम बजट विच नवे ऐलान करने लिए आजाद है। उदाहरण वजों जेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले अंतरिम बजट भाव 2019 च प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया, इस तो इलावा टैक्स छोड़ से स्टैंडर्ड डिडक्शन से भी अहम फैसले ले गए। यह मतलब है कि मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट लोक लुभाना सी, इस राही एक नवे लाभपात्री वर्ग नूं लुभाउण दी कोशिश की गई। इस तरह हुण मोदी सरकार दे दूजे कार्यकाल विच भी लोकप्रिय बजट दी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि नवी सरकार पूरा बजट पेश करते हुए अंतरिम बजट दे फैसलों नूं बदलण लई आजाद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संसद विच अंतरिम बजट पेश करनगे। इस तो पहला कि देश दे आम लोगों नूं महंगाई दा झटका लगे, तेल मार्केटिंग कंपनियां ने 19 किलो दा कमर्शियल गैस सिलेंडर दीआं कीमतां विच वाधा कीता है। ओसीएल दी वैबसाइट मुताबिक इस दीआं कीमतां विच 14 रुपयां दा वाधा कीता गया है, जिस तो बाद राजधानी दिल्ली च एक व्यापारिक सिलेंडर की कीमत 1769 रुपये 50 पैसे हो गई है। नवीं दरां अज यानी कि 1 फरवरी 2024 तो लागू हो गई ने। हुण दिल्ली विच 19 किलो दे व्यापारिक गैस सिलेंडर की कीमत 1755 रुपये 50 पैसे तो वध के 1769 रुपये 50 पैसे हो गई है। गैंगस्टर बल्लू पहलवान की कार च आए हथियारबंद बदमाशा ने गोलियां मार के हत्या कर दी है। पुलिस ने इस संबंधी जानकारी दी है। पुलिस अनुसार जदों बल्लू जिम तो वापस आ रहा था बदमाशा ने उसका मोटरसाइकिल रोक के उसनु 20 गोलियां मार दी है। पुलिस ने दसिया कि यह गैंगवार का मामला जापदा है। चश्मदीदा ने दसिया कि हमलावर करीब 2 मिनट तक गैंगस्टर से गोलीबारी करते रहे। पुलिस ने दसिया कि घटना देर शाम करीब 6:30 बजे फरीदाबाद सैक्टर 11 च वापरी है। पुलिस मुताबिक बल्लू इलाके च एक यूनिवर्सिटी नेड़े अपने किसी रिश्तेदार को गया सी अते बल्लू पहलवान खिलाफ कतल समेत कई मामले दर्ज ने। घटना की सूचना मिलने तो बाद पुलिस कमिश्नर राकेश आरिया, पुलिस डिप्टी कमिश्नर राजेश दुग्गल, सहायक पुलिस कमिश्नर अमन यादव ते होर अधिकारी मौके ते पहुंचे ते पुलिस ने मौके तो सीसीटीवी फुटेज ते होर सबूत इकट्ठे कर ले। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ते साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने सियासत छड्डन दी गल आखी है, पर इस लई उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सामने एक शर्त रखी है। मजीठिया ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल उही 5 मंगां नूं पंजाब च पूरा करन दी शर्त रखी है जिहड़ियां उन्होंने भाजपा कोल रखियां सन। मजीठिया ने आख्या है कि जेकर अजिहा हुंदा है तां उह सियासत छड्ड देणगे। दरअसल आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार कोलों 5 मंगां रखियां सन, जिस विच उन्होंने कहा सी कि देश दी सिक्ख्या प्रणाली ठीक करो, सबले चंगे इलाज का प्रबंध करो, महंगाई घटाओ, हर नौजवान रोजगार दो, गरीबा मुफ्त बिजली, हर व्यक्ति 24 घंटे बिजली दो। जेकर केंद्र सरकार अजिहा करती है तो सियासत छड्ड देंगे। हुण बिक्रम मजीठिया ने यो मंगा पंजाब लई कीतियां ने। अरविंद केजरीवाल ने आख्या कि हुण यो मंगा पंजाब विच पूरियां करो, वह भी सियासत छड्ड दे।
जिला अमृतसर हलका सांसी ते एसएसपी दिहाती वालों समाज विरोधी अंसरां खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाउण दीआं हदायतां तहत भारत पाकिस्तान सरहद ते नशे ते ठल पाउण लई विलेज डिफेंस कमेटियां नूं होर मजबूत करन ते सरहदी पिंडां दे लोकां नूं जागरूक करन लई पुलिस थाणा लोपोके विखे अहम मीटिंग कीती गई। डीएसपी अटारी सुखजिंदर थापर की अगवाई हेठ हुई मीटिंग विच जुड़े लोगों नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ते विलेज डिफेंस कमेटियां दे सहयोग नाल वड्डी मात्रा च सरहदी पिंडां च हैरोइन ते पाकिस्तानी ड्रोन फड़ेगी। उन्हें विलेज डिफेंस कमेटियां नूं होर मजबूत करन लई प्रेरित किया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत बीते दिन हलका विधायक डॉ कश्मीर सिंह सोहल वालों श्रद्धालुओं की बस श्री तलवंडी साहब श्री आनंदपुर साहब के होरना धार्मिक स्थानों के दर्शनों लिए रवाना की गई। श्रद्धालुओं की बस श्री आनंदपुर साहब श्री तलवंडी साहबों के होरना धार्मिक स्थानों के श्रद्धालुओं दर्शन करवा के अगले दिन देर शाम तरन तारण वापस परतेगी। विधायक डॉ कश्मीर सिंह सोहल वालों यात्रियों को फ्री किटा भी दिखाई गई जिस कंबल चादर तो इलावा होर भी खाण पीन का समान मौजूद से किसी भी यात्री नूं मुश्किल ना आवे। इस मौके पत्रकारां नाल गल करदे हुए डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल ने मुख्यमंत्री पंजाब दा धन्नवाद कीता। इस तरह ही ये तीर्थ यात्रा स्कीम के अधीन बसा जांदियां रहणगियां। इस तों अलावा जिहड़ियां ट्रेनज ने वह भी दूर के जिहड़े हैगे ने धार्मिक स्थान उत्थे ट्रेन दे राहीं जिहड़े श्रद्धालु ने वो जांदे ने ते उत्थे जिहड़ा वा कुछ दिनां दा जिहड़ा ठहरा हुंदा वा ते फिर वो वापस आउंदे ने। सो ये एक बहुत ही वधिया उपराला हैगा भगवंत मान सरकार दे वल्लों। जिहड़े कई लोग गरीब ने जां कल्ले नहीं जा सकदे उहनां नूं एक समूह दे विच जिहड़ा वा भेजिआ जांदा वा। उहनां दी हर सुख सहूलत दा ध्यान रखिआ जांदा वा। खाण पीण दीआं वस्तां तों अलावा उन्हां दे रहिण सहिण दा प्रबंध किया जाता। एक किट भी दिती जाती है जिहदे विच अजकल ठंड दा मौसम होण दे कारण जिहड़ा उहनां नूं गर्म कंबल वगैरह भी दित्ता जांदा। मुख मकसद की जी बसा तुरी जा रही है इस चीज़ का मुख मकसद की मुख्यमंत्री साहब जी वेखो जी कई जड़े ने वो लोग जिन्हों के मन के श्रद्धा तो होंगी है तीर्थ स्थाना जाने की पर कोई जड़ा माइक प्रॉब्लम होंगी कल्ले नहीं जा सकते। सो ये एक उन्हें श्रद्धालुओं के वास्ते उन्हों की जी भावनावान देखद्या हो तीर्थ यात्रा जी पंजाब सरकार वालों शुरू किए गए ओपन इनविटेशनल टूरनामेंट के पहले दिन का शानदार आगाज अबोहर के क्रिकेट स्टेडियम विखे हुआ है जिसकी शुरुआत जिला पुलिस मुखी मनजीत सिंह ढेसी वधीक डिप्टी कमिश्नर रविंदर सिंह अरोड़ा ते हलका इंचार्ज अरुण कुमार ते ब्रांड अंबैसडर सिमरनजीत कौर वालों की गई। इस दौरान जिथे उन्होंने नशिया खिलाफ जागरूकता के गुब्बारे आसमानी छड़े उथे ही पंजाब नूं नशा मुक्त करन विच योगदान पाउण दा प्रण भी दवाया गया। इस मौके सरकारी हस्पताल अबोहर वालों नशा मुक्ति केन्द्र अते फाजिलका पुलिस वालों सांझ केन्द्र का काउंटर लाया गया। इस मौके जिला पुलिस मुखी मनजीत सिंह ढेसी ने दसिया कि अज पहले दिन क्रिकेट ते वॉलीबॉल दे ओपन इनविटेशनल टूरनामेंट करवाए गए। उन्होंने कहा कि मापे अपने बच्चों लई समां जरूर कढ़न ते उन्हां दे भविख लई उन्हां नाल राबता बनाई रखते हुए पढ़ाई दे नाल नाल खेडां नाल भी जोड़। डेढ़ पौने दो साल दे विच नशियां दे खिलाफ इन्ना काम होया जिहड़ा कि पिछे कदे नहीं होया ते अज पंजाब मैं समझदा वी साडा अबोर काफी इंप्रूवमेंट है। साडी अबोर पुलिस भी काफी इंप्रूवमेंट है नशियां दे खिलाफ जिहड़े एक्शन हो रहे काम कर रहे हैं ते मैं भी तुहाडे नाल इक वायदा करदा अज तुसी मेरे बच्चे हो मेरे सामने खड़े हो एक वायदा करदा नशियां दे खिलाफ एक भी सिफारिश किसे पुलिस अफसर नूं नहीं करूंगा ते ना ही मैं कीती है ते ना ही आने वाले समय च मैं करूंगा एक भी सिफारिश नहीं करूंगा। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।